गुड मॉर्निंग, ओम शांति स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट ए वेरी गुड लेसन ऑन लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर पेयर्स। वी विल डिस्कस वेरी गुड क्वेश्चंस एंड इनक्लूडिंग द क्वेश्चंस आल्सो वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन। नंबर वन इज टेलिंग दैट द लिनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन। Unique solution means it has only one. Unique means only one solution, two solution, or infinitely many solution. This question answer is this number third. How it came infinitely many solution? If you put x equal to 0, then what is the value of y? Y equal to, it will come x 0 put कर देंगे तो क्या होगा, ये value 0 हो गया, तो minus 5 y equal to कितना आ गया, 7 आ गया, then y equal to कितना आ जाएगा, -7/5 आ जाएगा। तो वन सॉल्यूशन कितना आ गया, 0 - 7/5। सिमिलरली इफ आई पुट y इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा, इफ आई पुट y इक्वल टू 0 देन दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाउ मच विल कम, 7/2, सो अनदर सॉल्यूशन कैम 7/2, 0। सिमिलरली इफ यू पुट अनदर वैल्यू से x equal to 1 you'll put, then answer will be 2 - 5y = 7, and after solving this equation you'll get y equal to 5/-5 and it will come -1, so another solution came 1, -1. So in this question, if you take any value of x, it will give another value of y. So for different value of x you will get different value of y. So it has so many solution, so the answer is infinitely many solutions. I hope you understood. Next question, the equation 2x + 5y = 7 has a unique solution. Bol diye iska unique solution hai if x and y are, kya likha hai, natural number, positive real number, रेशनल नंबर। देखो सबसे छोटा वाला सेट कौन सा होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद कौन सा सेट आता है, हमारा रियल नंबर आता है, उसके बाद हमारा आता है होल नंबर, सॉरी उसके बाद क्या आता है, होल नंबर आता है। ओके, नेचुरल नंबर, देन इट इज होल नंबर, देन योर रेशनल नंबर, देन रियल नंबर। सो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर ये तीनों आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है। तो सबसे छोटा वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो आंसर विल बी नेचुरल नंबर। आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। रियल नंबर लेंगे तो कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम नेचुरल नंबर डालेंगे इट विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ ए नॉन जीरो नंबर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, व्हाट विल द आंसर, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर विल बी इट विल रिमेन सेम, आंसर विल बी इट विल रिमेन सेम, बिकॉज लेट दिस इज एक्स इक्वल टू वाई इज रिटन, इफ आई डिवाइड 3 हियर ऑल्सो डिवाइड 3 हियर, नो प्रॉब्लम इन द value of the equation because 3 and 3 will cancel out. If you multiply same value in the both side also the value will be constant, so there is no change in the solution mein kuch change nahi aayega. Theek hai, next question, x equal to 5 y equal to 2 is a solution of linear equation. Ye kya karna hai, ye value ko direct put karna hai option mein, kaun sa option hai, 5 or 2 hai, ye dekho c option dekho, isme agar 5 put karenge number first option mein, ऑप्शन से जाएंगे आंसर के पास, ठीक है, इस इधर 5 पुट करेंगे ऑप्शन 1 में 5 आ गया, x प्लस 2 × 2 कितना आएगा, 5 + 4 = कितना आएगा, 9 आएगा, मगर ऑप्शन क्या है, 7 है, तो ये नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, x में 5 डाल दो, y में 2 डाल दो, तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 7 आ जाएगा, सो यू गॉट द आंसर आज 7, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
Come to the next question. What is the coordinate of a point on x-axis? Very easy. X-axis में कोई point का coordinate कितना होता है? X and 0. Y-axis में कितना आता है? 0, y आता है. Because y-axis के ऊपर x का value 0 आता है. ठीक है? Very easy question. Next question. Find the value of lambda if x equal to minus lambda and y equal to 5 by 2. इधर solution of the equation. Equation दे दिया. तो लैम्ब्डा का वैल्यू पूछा है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा. तो व्हाट टू डू, पुट द वैल्यू हियर. एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे, लैम्ब्डा पुट कर दो, एंड वाई के जगह में क्या पुट करना है, 5/2 पुट कर दो. तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, माइनस लैम्ब्डा प्लस 4 × 5/2 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा. ठीक है, दैट इंप्लाइज इट विल कम माइनस लैम्ब्डा प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0. That implies it will come minus lambda equal to minus 3. मैं उसको इस साइड ले गया, 10 माइनस 7 3 आ गया, उस साइड ले गया 3 को, माइनस 3 आ गया. तो लैम्ब्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्ब्डा का वैल्यू हमारा 3 आ गया. सो वी गॉट द लैम्ब्डा वैल्यू इक्वल टू 3. आई होप टू ऑल अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज योर सो व्हाट इज द नेक्स्ट. If pi x plus 3x equal to 25 and y equal to 1, then find x. So what to do? Put the value of y in the equation and you'll get the value soon. So agar y ka value put kar denge, to equation kya aajayega? Pi x plus 3 equal to 25 aajayega. Equation convert aajayega. Pi x plus 3 equal to kitna aajayega? 25. Agar 25 ko is side le jayenge, to ye cancel out hoke kitna aajayega? 22 aajayega. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 22/π. x विल बी 22/π. इफ x विल बी 22/π देन पाई का वैल्यू हमें पता है कितना, 22/7 7 ऊपर चला जाएगा, 22 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा. इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. देन the next is your number 8. If a linear equation passes through the point 3, -3, 6, -6, then write the equation of the line. So here one concept came, slope concept. Okay, we'll put the concept of slope. And what is the slope concept? You know, in slope it is present that if a line is like that, it's A point and it is B point, and it has coordinate x1, y1, and it has coordinate x2, y2. Then what is the equation? Equation from the line passing through 2 point. It will be y minus y1 equal to m x minus x1. And what is the value of m? M ka value kya hai beta? M ka value y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the value of m. This is the value of m. Okay. So what is asking in the question? Question is telling that points are, what is the value of x1 y1? I am putting the value here. Value of x1 y1 kya hai hame? In the question it is given. It is given that 1 is 3, another is minus 3. And x2, y2 is given 6 and minus 6. So what is the value of m? M ka value kitna aa gaya? y2 minus y1. y2 kitna hai? Minus 6. y1 kitna hai? Minus 3. So minus of minus 3. Divided by x2 is how much? x2 is your 6 minus x1 is 3. After solving you will get is plus 3 and 3 and it will be minus 3/3 and it came minus 1. So m ka value kitna aa gaya? Minus 1 aa gaya. M ka value kitna aa gaya? Minus 1. So here I'll put y minus y1 ka value kitna hai? Minus 3 hai. Idhar minus 3 dal diya. Theek hai? Very easy. M ka value aa gaya minus 1 all into
x minus x1 is 3. Okay, the next step is y plus 3 equal to, if you take minus inside, it will be minus or 3 minus x होगा. ये कितना आ जाएगा? 3 minus x आ जाएगा. 3 both side में क्या हो जाएगा? Cancel हो जाएगा. If you take x this side, it will come x plus y equal to 0. तो हमारा equation क्या आ गया? X plus y equal to 0, which is your option number 1. Option number 1 is your correct answer. Okay, so option A is your correct answer. This is the option A is your correct answer. Number 8, option A is your correct answer. I hope you understood. Remember the formula, y minus y1 equal to m whole into x minus x1. M ka value kya hai? Y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Next question, which quadrant, in which quadrant the positive solutions of equation ax plus bi plus c equal to 0 will lie. तो positive solution क्या होता है? अगर मैं quadrant को cartesian system ले लूँ, ठीक है, और coordinate geometry में two dimensional system ले लेता हूँ, ये होता है x, x dash, ये होता है y, y dash, ये origin को 0 ले लिया, ठीक है, तो ये first quadrant, ये कितना होता है? Plus plus होता है, ये कितना होता है? Minus plus. Third quadrant में क्या आता है? Third quadrant आता है माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वार्टर में होता है प्लस माइनस. बोथ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो बोथ सॉल्यूशन पॉजिटिव कौन सा क्वार्टर में है? फर्स्ट क्वार्टर में. तो 9 नंबर का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर. ओके, देन कम टू योर नंबर 10. हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2. कितने ऐसे लीनियर इक्वेशन है x equal to 1 और 2 में satisfy? ये भी आंसर क्या होगा? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन? बहुत सारे हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी satisfy विद द वैल्यू x equal to 1 एंड y equal to 2. सो आंसर विल बी इनफिनिटली मेनी. इट इज अ वेरी सिंपल वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फाइंड द लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन टाइप minus 2, minus 2, 0, 0, and 2, 2. In this type of question, what to do? You put all the values in each option. Sare option mein ye value put karna hai. Jo option sare value ko le jayega, wohi tumhara correct answer hoga. Theek hai? To kya karenge hum? Ye minus 2, dekho, ye sare mein equal equal value. Iska matlab hai, s ka jo value hai, y ka bhi wohi value hai. See the value. X एंड Y बोथ आर इक्वल. ये भी माइनस टू माइनस टू, ये 0, 0, ये 2, 2. मतलब पता चल गया X और Y इक्वल है. ये तो पता चल रहा है, देख के. तो X Y इक्वल है, तो ऐसे ऑप्शन कुछ नहीं है. तो थोड़ा हम क्या करेंगे, Y को इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? X माइनस वाई कोल्ड 0. कोई है ऑप्शन X माइनस वाई कोल्ड 0? हाँ, ऑप्शन 2 हमारा है X माइनस वाई कोल्ड 0. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस वन एंड दिस वन, हैज हाउ मेनी equation has the following pair equation, this one and this one, okay, has intersect, coincident, parallel. Means what is the nature of the line? It is asking that if you draw the graph, then the pair of line will intersect or coincident or parallel. For this, we'll see good concept. I'm coming to a blank page. Okay. So here we'll see one good concept that write down in your copy. X1 plus A1X plus B1Y plus C1 equal to 0. This is equation 1, or you can say this is the first linear equation. And A2X plus B2i plus C2 equal to 0. This is your second linear equation. Okay. This is your second linear equation. So what is linear equation? That one also I am telling first. What is linear equation? Equation, you know what is the equation? Equation means first the word equal is coming. Equation is a term in which both sides are equal. Means LHS or RHS, jisme equal hai, to usko equation bolte hai.
क्या होता है इक्वेशन में, इक्वेशन में एलएचएस में एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और आरएचएस में भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, दोनों साइड में क्या होता है वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम बोलते हैं इक्वेशन उसको, ठीक है। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री इज वन, इन व्हिच द डिग्री इज वन, जिसमें डिग्री क्या होता है वन होता है। तो फर्स्ट नाउ कैन द वर्ड डिग्री, ये डिग्री क्या होता है चीज, तो एक इक्वेशन में लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो ये 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 5, लेट दिस इज वन इक्वेशन इज देयर लाइक दिस, इन दिस केस देयर आर टू वेरिएबल, वन इज x अनदर इज y, दोनों में हमारा हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, इसका भी वन है इसका भी वन है, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होगा, दो वेरिएबल हैं सबका हाइस्ट पावर क्या है वन वन है, तो हाइस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे, तो कितना डिग्री के है डिग्री वन, द इक्वेशन हैज डिग्री वन, डिग्री वन जिसका होगा इक्वेशन का उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, इसमें टू क्या है ये एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट कितना है, वाई का कोएफिशिएंट है वन है, वाई का कोएफिशिएंट है वन है, वन इंटू वाई है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सो हाउ टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इफ यू टेक द फाइव दिस साइड इट विल बी 2x प्लस y 3 माइनस 5 ये जाएगा माइनस 2 इक्वल 0, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, 1 इंटू वाई है, और c का वैल्यू क्या है माइनस 2 है। a b आर कोफिशियंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, a x का कोफिशियंट है, b y का कोफिशियंट है, एंड c क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ये होता है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ऐसे दो इक्वेशन है, मान लो एक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, एंड अदर क्या है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। अभी दोनों इक्वेशन में तीन केसेस देखेंगे, कौन सा केस देखेंगे, थ्री कंडीशंस। मान लो हम ये कोफिशिएंट को देख रहे हैं, दिस इज कंडीशन नंबर वन, अगर ए वन और ए टू को हम डिवाइड करते हैं और उसका वैल्यू बी वन और बी टू को डिवाइड करते हैं, अगर दोनों का वैल्यू मैच नहीं करता है, मान लो ए वन का वैल्यू क्या है कुछ भी है दो है, इक्वेशन हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, ठीक है। पहले रूल को देख लो थोड़ा, ए वन बाई ए टू इफ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू इट इज कॉल्ड, इफ लाइक दिस सर्कमस्टेंसेस विल कम और केसेस विल कम, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे आएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज योर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी डिस्टिंक्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा डिस्टिंक्ट यूनिक, यूनिक मतलब एक ही आएगा, वन सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट यूनिक और क्या आएगा कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा डिस्टिंक्ट यूनिक एंड कंसिस्टेंट, ये तीनों वर्ड याद रखना है। डिस्टिंक्ट मतलब पूरा यूनिक और अलग आएगा, मैचिंग नहीं आएगा, वही एक ही आएगा, कंसिस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट, गिव ए कंसिस्टेंट रिजल्ट मतलब जैसा उसका कंसिस्टेंसी है, वेरिएबल नहीं होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, ठीक है ओके। एंड क्या है इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन यूनिक है ना, तो डिपेंड करना ही नहीं किसी के ऊपर, तो इतना नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया डिस्टिंक्ट यूनिक कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। एंड व्हाट इज इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ ये होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब व्हाट इज द नेचर, सॉल्यूशन का मतलब क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई,
value of x and y. It is called nature of solution. Okay, you can take the screenshot. And another column, this is first column, this is the second column. If we'll take graph, nature of graph, another column is nature of graph. So graph kaise banega? I am drawing the graph. Graphs are the lines will intersect, intersecting line. It will give a intersecting line. How? Let this is the graph. Let this is a line L1 and this is line L2. They will cross each other at a distinct point, let P. And at P, at which point they will intersect, that is your solution. जो point में वो दोनों intersect करेंगे, अपने आप को दोनों को intersect करेंगे, उसका जो coordinate आएगा P point का x comma y, वही होगा solution of the linear equations, of pair of linear equation. Okay. Example देखते हैं. So what is your example? Okay, I will take an example of that number one. If I'll take, I'm taking the example. Very carefully see. Example 2x minus 3y equal to plus 5 equal to 0. 3x minus 5y plus 7 equal to 0. There are two equations are there. In this case, a1 equal to how much? 2. a2 equal to 3. So 2 by 3 aa gaya. And b1 ka value kya hai? Minus 3. b2 ka value kya hai? Minus 3 by 5. Isko thoda simplify karenge to kitna aayega? 3 by 5. Now you can see that 2 by 3 or 3 by 5 equal nahi hai. So they are not equal. So by seeing this coefficients ratio, you can say the nature of solution. So this pair of line, if you make the solution by different method, by elimination method, by cross multiplication method, okay, by substitution method, so many methods are there. So different methods use karke aap log jab nikaloge uske answer, to answer kya aayega? Unique aayega, distinct aayega, consistent aayega, independent aayega or intersecting aayega. Agar you draw a graph, then you will see like this graph, aise kuch graph aayega. Theek hai, I hope you understand. This is your number one. You can take the screenshot. Now case 2, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is also equal to c1 by c2, aisa kuch condition hoga, tab kya hoga? Then you will see that what is the nature of solution. The solution will be equal. Okay. Not equal, equivalent solutions you will get. So nature of solution is infinitely many solution. Infinitely many solutions will come. Or kya aayega? Ye consistent aayega. Solution aayega to ye consistent hoga. If it is giving solution, then it is consistent. Consistent and dependent. Kya hoga? Dependent. Ek pair for dusro, means line 1 or linear equation 1 ke sath linear equation 2 dependent, both are interdependent to each other. Pehla tha, pehla wala tha independent tha, ye aa gaya dependent. And what is the nature of graph? Nature of graph kaise ka dekho. If it is, if I'll draw a graph, let this is line L1. And what is the line L2? L2 will overlap on the line L1. I'll taking this is L2. So it will coincide. Lines are coincide. Ek ke upar dusra chale jayega. So coincident line you will get. You'll get coincident lines.
This is the second type. Now third one example we'll see. What is the example? Example is 12x minus 5y plus 3 equal to 0. And another equation is 4x let this is 15 and let this is 30. I'm taking this 30, okay. 30 equal to 0. And another is minus 5y plus 10 equal to 0. Now, if you see the ratios, 12 by 4 coming how much? 3 means 3 by 1 is coming. Minus 15 by minus 5, it will give also 3. And 30 by 10, it will also give 3. Agar 30 by 10 karenge, to iska value kitna aega? 3 aega. 30 by 10, it will give also 3. So you can see that a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Sabka value kya aega? Equal aega. सबका वैल्यू कितना आ गया? इक्वल आ गया. ठीक है, यू गॉट ऑल द वैल्यूज इक्वल. अगर इक्वल आ गया तो सॉल्यूशंस क्या हो गया? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट और डिपेंडेंट होंगे. सॉल्यूशन आपस में डिपेंडेंट होंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन देगा. ठीक है, नाउ थर्ड टाइप. व्हाट इज द थर्ड टाइप? तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेकंड टाइप. Okay, now you have taken. Now come to the third type. This third type is giving that if a1 by a2 is equal to bn by b2 is not equal to cn by c2, tab kya hoga? So what is the nature of life? Then the nature, what is the solution? First we'll see the solution. Solution, it has no solution. If like this is there, it has no solution. It will give no solution. Remember, okay. We'll see the example also, don't worry. And lines will be parallel to each other. This is x-axis, y-axis. Let this is L1 line and this is L2 line. They will parallel to each other. So, in this case, L1 is parallel to L2. L1 or L2. आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ वन एग्जांपल आई विल गिव. 4x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0. 8x माइनस 10y प्लस 3 equal to 0. Okay, in this case you can see that this a1 by a2 kitna aega? 4 by 8 kitna aega? Aapka half aega. Minus 5 by minus 10 ye bhi kitna aega? Half aega. Okay, ye bhi kitna aega? Half aega. Okay, both are half, but इन द थर्ड का सी वन बाई सी टू 9/3 ये कितना आएगा बेटा हमारा? 1/3 आएगा. ये सुनो, इट विल कम 1/3. नाउ यू कैन सी दैट एन बाई ए टू इक्वल टू बी एन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी एन बाई सी टू. तो ये क्या होगा? लाइन दोनों नो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन. एंड लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. Now we'll do some questions. So let's start to the question. These are two equations are there. Now say the nature of the line. Line dono kaise karenge? Kaise graph karenge? Means how the graph will show if you draw a construction. So in this case, you see what is the an by a2? An by a2 आ गया हमारा 5 by 7, comma. Bn by b2 कितना आ गया? Minus 4 by 6. तो इसको simplify करेंगे तो आएगा minus 2 by 3.
तो पहले पता चल रहा है ए एन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी एन बाई डी टू, तो कौन सा कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ कम टू द नंबर 13, व्हाट इज द नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, विल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या था, ए एन बाई ए टू इक्वल टू बी एन बाई बी टू इक्वल टू सी एन बाई सी टू, तो सारे इक्वल है तो बोल दिया को इंसिडेंट लाइन, तो हमको लेना है क्या है, ए एन बाई बी टू इज इक्वल टू बी एन बाई बी टू इक्वल टू सी एन बाई सी टू। इसमें से ये बी एन बाई बी टू वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बी एन बाई बी टू कितना लिखेंगे हम, 3/6, तो 3/6 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा, ये पता चल गया 3/6 का वैल्यू कितना आएगा, बी एन बाई बी टू कितना आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। तो 2/k+2 ये क्या आ गया, 2a1 है, ये क्या है, a1 है, ये क्या है, a2 है, तो a1 बाई a2 भी हाफ आएगा, ये सुनो a1 बाई a2 कितना आएगा, हाफ आएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठो तो फटाफट हो जाएगा। तो a1 बाई a2 2/k+2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया हाफ आ गया, हाफ आ गया, रेशियो कितना है, हाफ। अब थोड़ा रेशियो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, हाफ तो ये कितना रेशियो, 1:2 आ गया ना, 1:2 कितना है, 2, रेशियो का मतलब ये 2:1, तो कितना ज़्यादा है, इंटू 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, सिमिलरली नीचे भी इंटू 2 करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें भी अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 2 मल्टीप्लाई किया, अगर मैं ये हाफ है तो 1 कितना बराबर, 1 बराबर 2 है, 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, इंडर मेथड, तो हमारा 2 का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, सो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना आएगा, 2 होल इंटू k+2 आएगा, 2 होल इंटू k+2 आएगा, ये सुनो, तो 2 होल इंटू k+2। और एक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, समझना आराम से फटाफट करने के लिए, थोड़ा मैं ट्रिक दे रहा हूँ, अलग टाइप का थोड़ा समझा रहा हूँ। ये कितना था हमारा, 4/6 था, समझो ठीक से, ये कितना था, 4/6 था, सॉरी कितना, हाँ आपका 3/6 था ना, कितना था हमारा, हाँ 3/6 था, ये कितना था, 3/6, तो कितना टाइम था, ये 2 times था, समझो ठीक से, 2 times था। तो ये जो वैल्यू है, जो न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा, 2 times होगा, रेशियो सेम है तो सबका भी, ए एन बाई ए टू इक्वल टू बी एन बाई बी टू इक्वल टू सी एन बाई सी टू, रेशियो कितना है, सेम है ना सबका। अगर 2 का वैल्यू 1 है, ऊपर के है 2 है, तो ये 2 कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा ना, अगर ये 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 का वैल्यू अगर 2 है, फटाफट देखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करेगा, समझा रहा हूँ इतना लेट हो रहा है, तो क्या था फिर से समझा देता हूँ, क्या था हमारा वैल्यू, वैल्यू था 2/k+2, फिर से देखो बेटा 2/k+2, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/2, रेशियो था 1/2, तो 2 का वैल्यू कितना है, इंटू 2 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 2 के साथ इधर इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 4 का वैल्यू कितना है, k+2, तो k+2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो k के साथ कितना ऐड करने से 4 आएगा, 2 ऐड करने से 4 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2, आंसर कितना आ गया हमारा, k का वैल्यू 2 आ गया। फिर से वीडियो को देख लेना, रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, क्वेश्चन करते चलेंगे, आप लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठिए फटाफट। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7, क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा और इनकॉन्सिस्टेंट होगा। हाँ एक पॉइंट छोड़ दिया, जो नो सॉल्यूशन होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, जो नो सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा और सिस्टम क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ठीक है, दैट वन ईयर में। सो पहले निकालो a1/a2 कितना है, 3/2, b1/
बी टू कितना आएगा माइनस टू बाई थ्री, तो ये इक्वल ही नहीं आया, नॉट इक्वल, तो क्या हो गया कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट, ये वाला ऑप्शन ऑप्शन वन यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन, हाँ फिर से नेचर ऑफ क्या होगा हमारा, फटाफट बोलो, ये होगा टू बाई फोर, ये क्या हो गया हाफ आ गया, देन माइनस थ्री बाई सिक्स, ये क्या आ गया हाफ आ गया, सेम आ गया, मगर ये सेम नहीं है, ये एट बाई नाइन आ गया, ये कितना आ गया एट बाई नाइन, नॉट इक्वल टू सी एन बाई सी टू, तो क्या हो गया थर्ड ऑप्शन इनकन्सिस्टेंट, ए एन बाई ए टू इक्वल टू बी एन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी एन बाई सी टू, नो सोल्यूशन, इनकन्सिस्टेंट लाइन्स एंड पैरेलल, ओके दैट मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन एक्स माइनस वन इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सुनो, सो हाउ टू डू, पुट द वैल्यू, सिंपली पुट द वैल्यू, अगर मैं पुट करूँ एट एंड सिक्स, इसमें पुट करो 14 आ रहा है, अगर मैं इधर एट एंड सिक्स पुट करूँगा तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ऑप्शन बी को चले जाओ फटाफट। अभी अगर ऑप्शन बी में जाएंगे, इधर 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14, 9 और 5 माइनस करेंगे तो 4, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन टू, ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है फटाफट होगा। ग्राफ ऑफ, जब भी कुछ सोल्यूशन निकाला एक्स वाई का वैल्यू दिया होगा, फटाफट इक्वेशन में पुट कर लो, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा सही आंसर है, टाइम नहीं एग्जाम में फटाफट करने के लिए, ठीक है फटाफट 30 सेकंड के अंदर करेंगे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाई इक्वल टू थ्री एक्स पासिंग थ्रू क्या होगा, पुट कर दो फटाफट, अगर मैं टू पुट करूंगा एक्स का वैल्यू किधर पुट करूंगा, ये एक्स ये वाई, एक्स का वैल्यू टू पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू फटाफट, तो ये एक्स का लिए तो टू पुट करो कितना आएगा सिक्स आ गया, इधर फोर पुट करो, सो फोर और सिक्स इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर नेक्स्ट इधर जीरो पुट करो, पुट जीरो हियर, पुट जीरो हियर, सो जीरो इक्वल टू जीरो, सो दिस आंसर इज करेक्ट, जीरो इक्वल टू जीरो। द नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द पॉइंट थ्री फोर लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये लाइन, ये एक लाइन है ना, लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, थ्री कोमा फोर है, इससे कुछ क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट पॉइंट डाल दो इसके अंदर, थ्री कोमा फोर पॉइंट इक्वेशन में डाल दो, अगर डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह में कितना डालेंगे थ्री डालेंगे, वाई की जगह में फोर, सो फोर थ्री जा ये ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व इक्वल टू थ्री ए प्लस सेवन, कैंसिल आउट करेंगे तो थ्री ए कितना आएगा फाइव आएगा, एंड ए इक्वल टू कम फाइव बाई थ्री, आंसर आ गया हमारा फाइव बाई थ्री ऑप्शन बी, आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। नाइनटीन नंबर इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द ग्राफ दिस मच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू जीरो, फटाफट क्या करना है वैल्यू पुट कर दो फटाफट, टू जीरो इक्वेशन में पुट कर दो, तो जीरो है किसका वैल्यू, जीरो वाई का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो आ गया, सो टू एक्स में टू पुट करके तो फोर इक्वल टू टेन के, एट के का वैल्यू कितना आ जाएगा टू बाई फाइव आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट के का वैल्यू टू बाई फाइव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन दिस मच दिस मच, हाँ कैसे लाइन देखेंगे फटाफट करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्या है 9x 3y 12, तो 9 बाई 18 टू टाइम्स है, ये किस कितना टाइम है टू टाइम है इंटू टू, ये भी कितना है टू टाइम्स है, और ये भी टू टाइम्स है, सारे टू टाइम्स है, तो टू टाइम्स है तो सारे इक्वल हैं, तो कॉन्सिडेंट लाइन एंड इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। 20 नंबर इज ओवर, वेरी इजी क्वेश्चंस, लाइक दिस क्वेश्चन विल कम, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट व्हाट, सी ये घट गया था, कितना घटा है डिवाइड थ्री, थ्री घटा है, ये भी थ्री घटा है, वन बाई थ्री वन बाई थ्री, ये कितना है बेटा टेन बाई नाइन, नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू है कौन सा लाइन होगा, ए एन बाई ए टू इज इक्वल टू बी एन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी एन बाई सी टू, तो ये वाला ऑप्शन पैरेलल लाइन, ओके।
Next question, x equal to y equal to v graphically represent, क्या होगा ये क्वेश्चन करेंगे. x equal to y equal to v, मान लो ऐसे कुछ है, x equal to a, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये b पॉइंट है, ये मान लो हमारा कौन सा पॉइंट है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये a पॉइंट है, एंड लाइन विल गो लाइक दिस, दिस लाइन गो लाइक दिस, कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट में, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी. सो लाइन इंटरसेक्टिंग एट बी कोमा ए, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, के का कौन सा वैल्यू में कोइंसिडेंट लाइन होगा, तो कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, सारे रेशियो इक्वल होंगे, अगर सारे रेशियो इक्वल होंगे, ये वाला लास्ट इक्वेशन, इसको इस साइड ले आओ, इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू जीरो, तो 8 बाई 16 का रेशियो कितना आ गया, हाफ आ गया, कितना आ गया, हाफ आ गया. तो ये बी वन बाई बी टू क्या है, माइनस वन बाई माइनस के, तो ये आ गया 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई टू, तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल बोला है, पैरेलल का मतलब ए एन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी एन बाई बी टू, देन पी का वैल्यू क्या होगा. तो पहले ए एन बाई ए टू और बी एन बाई बी टू निकालो, तो कितना आ जाएगा, ए एन बाई ए टू हाफ, बी एन बाई बी टू भी हाफ है, मगर नॉट इक्वल टू क्या, सी एन बाई सी टू. तो हम लिख सकते हैं, आप दिख रहा है ना, 3 बाई 6 हाफ, माइनस 1 बाई माइनस 2 हाफ आ रहा है, तो ये डायरेक्ट मैं क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया, हाफ इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5 बाई माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, एंड पी का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आ गया. सो पी 10 के साथ नहीं, नॉट इक्वल टू, पी 10 के साथ नहीं इक्वल होना चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक पॉइंट, तो यूनिक पॉइंट के लिए क्या कंसेप्ट है, ए एन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी एन बाई बी टू, तो क्या लिखेंगे, माइनस 3 बाई 2 पी इज नॉट इक्वल टू आपका 5 बाई 3, सॉल्व कर दो फटाफट, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया हमारा, पी विल बी माइनस 9 बाई 10, पी विल बी माइनस 9 बाई 10 इज योर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, ओके, पी इक्वल टू माइनस 9 बाई 10, क्लियर, थैंक यू. द नेक्स्ट इज योर द लाइन्स गिवन बाय दिस मच एंड दिस मच आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू पैरेलल बोला है, तो ए एन बाई ए टू के बोला है, के कहाँ है, बी के पार्ट में है, तो ए एन बाई ए टू इज इक्वल टू बी एन बाई बी टू, तो 3 बाई 2 इक्वल टू 2 के बाई 5, तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा के इक्वल टू 15 बाई 4, 15 बाई 4 कौन सा ऑप्शन देखेंगे, 15 बाई 4 यह आ गया 15 बाई 4, ठीक है, के इज 15 बाई 4, ओके. लाइक द सिंपल क्वेश्चन विल कम इन दिस चैप्टर, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, सिंपल बट इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, विल कम, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज यू मेक रॉन्ग. नाउ कम टू, नाउ विल गिव सम होमवर्क क्वेश्चंस टू यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. 27 then 28 29 30, take the screenshot. 31 32 33 34, okay, 35, like this question you do by self, okay. Now some new type questions we'll do now. Now 36 number, find coordinates on the axis of the graph formed by the linear equation 3x plus 4y equal to 12. तो what to do, कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू में. x बोला है, देखो x, x का वैल्यू पहले आता है, अगर मैं ये वाला वैल्यू डाल देता हूँ, डाल दो, x का वैल्यू 0 डाल दिया, y का वैल्यू 4 डाल दिया, x का 0 तो ये 0 हो गया, y का वैल्यू अगर 4 डालूंगा, इसका वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, तो 16 आ गया,
पर फॉर द 16 तो 12 के साथ इक्वल नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब कम टू द फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला कॉर्नर डालो पहले, 4 3 12 आ गया, वाई का वैल्यू 0 है, तो ये वाला ठीक हो गया, ठीक है। देन 0 3 डालो, इसका वैल्यू 0 हो गया, और 4 3 12 ये भी ठीक हो गया, तो ऑप्शन 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज ऑर्डिनेट इज दिस मच टाइम्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा। तो ये बोल दिया सिंपली वाई इक्वल टू 1 होल 1/2, इसका वैल्यू क्या होता है 3/2 होता है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू कितना दिया गया है 3/2 ऑफ x। तो रेशियो फॉर्मेट में लिखेंगे तो y बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, तो व्हाट इज द पॉइंट, तो पॉइंट क्या आएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया का, तो ठीक है सॉल्यूशन क्या आ गया 2 3, एक्स का वैल्यू पहले आंसर क्या आ गया 2 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ये भी क्या हो मैंने, ठीक है, इट इज़ योर होमवर्क, दिस वन यू विल डू, ये मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंडेंट बोला है, पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डिपेंडेंट, यस दिस इज ऑल्सो यू कैन डू वन। डिपेंडेंट के लिए एक हिंट देता हूँ, सो व्हाट इज द हिंट, हिंट इज दिस वर्ड इज डिपेंडेंट, सो फॉर द डिपेंडेंट व्हाट टू डू, आई एम टेलिंग वन क्लू दैट लाइन्स कॉन्स्टेंट लाइन, तो कॉन्स्टेंट के लिए कौन सा कंडीशन होगा आप लोग करेंगे फटाफट, ठीक है, ओके कॉन्स्टेंट लाइन बोल दिया हिंट, दिस इज ए होमवर्क फॉर यू ऑल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नो सॉल्यूशन, यस इट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का क्या होता है, n बाय टू इज इक्वल टू b n/2 इज नॉट इक्वल टू c n/c2, बोल दिया करना है आप लोग। नो सॉल्यूशन ये भी आप लोगों के लिए है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, a और b का वैल्यू निकालना है, ओके। इन दिस केस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, वन ही टाइम गिविंग, n/2 इक्वल टू b n/b2 इक्वल टू c n/c2, ये पता है। इसमें क्या करना है, रेशियो लिख देना है और ये वैल्यू डाल देना है, मतलब 1 by a - b, नेक्स्ट क्या होगा 2 by a + b, नेक्स्ट होगा 1 by a + b + -2, कोई भी एक वैल्यू इधर डाल दो तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये दोनों में ऑप्शन से कोई होगा, वैल्यू डाल कर देखना कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट माई कॉमेंट। नाउ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ओके ओके व्हाट टू डू दैट, दिस वन आई एम डूइंग। यूनिक के लिए क्या होता है, a n/b2 इज नॉट इक्वल टू b n/b2, है कि नहीं, तो a1 का वैल्यू क्या है 2 by p इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 3 by -6 कितना आएगा हाफ आएगा, तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू आ जाएगा आपका -4 आएगा, p का वैल्यू -4, तो इसके आंसर क्या होगा। r क्या होता है, एनी रियल वैल्यू, r इज एनी रियल वैल्यू, -4 को छोड़कर एक्सक्लूडिंग -4 एनी रियल वैल्यू यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन, पी के जगह में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं -4 को छोड़कर, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन 1, -4 को छोड़कर अगर मैं पी का कोई भी वैल्यू डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। पी का वैल्यू अगर -4 डाल देता हूँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा -8 सॉरी कितना आ जाएगा इफ़ यू पुट -4 तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। अगर पी का वैल्यू -4 हुआ तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अगर -4 डालते हैं तो कितना आता है देखो, कितना आता है -4x -6y -8 इक्वल टू 0। अभी देखो 2 by -4 कितना आएगा, 2 by -4 कितना आएगा -1/2, 3 by -6 -1/2। तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है क्या, ये पैरेलल हो रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, 4 का वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए, 4 का वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर इज दिस वन, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। देन 44 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन, क्या होगा, डायरेक्ट पुट करो एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है किसमें, 44 में, तभी हमें मिल सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। 45 लाइक दिस ऑल्सो विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच विल गिव द बोथ सॉल्यूशन, देन इट इज करेक्ट। इफ विल पुट वाई एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, दिस इज √2 + √3 इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा। अगर एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 ये भी होगा, अगर इधर भी डाल देंगे 0 0 ये भी होगा। तो 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 0 डालना पड़ेगा। 45 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन 1। सिमिलरली यू कैन सी व्हाट यू कैन सी दिस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वन सैटिस्फाई y इक्वल टू -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालना है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो फर्स्ट यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, फर्स्ट यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, देन यू विल गेट द आंसर m, दिस इज द प्रोसीड्यूर। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस x प्लस y इक्वल टू 5 2x - 3y इक्वल टू 4 इज हाउ मच, डायरेक्टली पुट द वैल्यू व्हिच वैल्यू विल गिव दैट इज योर करेक्ट आंसर। इफ विल पुट दिस वैल्यू it will come 8 plus 7 15 15 by 5 it will come 3, so it will not come. The next 9 plus 19 plus 5 25 plus 5 by 5 5 ye aa raha hai, theek hai, isko dal do idhar to ye kitna aa jayega hamara 5 aa jayega, okay 38 minus 18 kitna aata hai 20 by 5 4, yes this option, this option, okay very good. The next is the solution of the following pair kya hoga, same to same put the value of x and y and here lambda value, the solution of following pair this much satisfy. Okay so first you find out the value of x and y, then what will be the x and y you put here then you will get the value of lambda, this one I am doing 49 number, then you have idea how to do. So it is given that x minus 10 plus y by 5 minus 1 equal to 0, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या था minus 1 equal to 0 था ना, तो ये minus 1 को इस साइड ले आया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा equal to 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, x by 8 minus y by 6 equal to क्या 15 है,
ठीक है. सो इन दिस केस हाउ टू सॉल्व इट, द बेस्ट प्रोसेस यू टेक द एलसीएम और what to do elimination process. See here plus sign is there and here minus sign is there. So if you add these two, then it will be y will be eliminated. Before that we have to make the denominator same. इसके पहले इसका denominator को same करना है. इसका denominator क्या है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इसका क्या निकालना है, इसका हमें LCM निकालना है. 6-5 का LCM कितना होगा, LCM 5 एंड 6 आएगा 30 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा. तो 30 करने के लिए हमें कितना करना, क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 में हमें 1/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये पूरा इक्वेशन में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/6, और नीचे में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x/60 प्लस y/30 इक्वल टू 1/6. बहुत एलएचएस आरएचएस में करना पड़ेगा. और इसमें आएगा x/40 - y/30 इक्वल टू 15/5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 15/5 आ जाएगा. अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इफ यू ऐड दिस बोथ, देन ये हमारा कितना आ जाएगा, इट विल कम. अगर हम प्लस करेंगे, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट एंड ये आ जाएगा x/60 + x/40 इक्वल टू 1/6. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15/3 ये 3 आ जाएगा प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारा 19/6 आ जाएगा. ठीक है, और अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा, 120 आएगा. ये कितना आ जाएगा, 2x, ये 3x ऊपर आ जाएगा, 5x आ जाएगा. ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 19/6 इक्वल टू कितना आएगा, 19/6. ठीक, देन x came how much, 19 × 120 / 6 × 5 आ जाएगा. ठीक है, एंड ये 4 आ जाएगा, एंड इट विल कम x came how much, 76. X का वैल्यू आ गया हमारा 76. ये वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं. टेक इट इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना था, x प्लस 10 था, तो 76 by 10 प्लस y/5 इक्वल टू 1, एंड y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1 - 75/10 by into 5 आएगा, 76/10 into 5 आएगा. तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 66/10 into 5. After cancel out, it will come 33, and it came -33. कितना आ गया, -33 आ गया. y का वैल्यू -33, एंड दिस वैल्यू विल पुट ऑन द इक्वेशन. इक्वेशन में हमें उसको पुट करना है. ठीक है, इट विल पुट इन द इक्वेशन, देन विल गेट द करेक्ट वैल्यू. तो y का वैल्यू कितना आ गया, -33 आ गया. ओके, x इज 76, तो x y का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया 76 एंड y का वैल्यू कितना आ गया, -33. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट योर y वैल्यू इज हाउ मच, लैम्डा वैल्यू इक्वल टू हाउ मच. सो व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5, यह है ना इक्वेशन हमारा. तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा ये होगा y माइनस 5
बाई एक्स, वाई का वैल्यू क्या है माइनस 33 माइनस 5, ये क्या है 76, ये कितना आ गया 78 आ गया, सॉरी ये 38 आ गया, ये कितना है 76, अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो लैम्ब्डा का वैल्यू कितना आ गया माइनस हाफ, जो लैम्ब्डा केम माइनस हाफ। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन सी द वीडियो अगेन, ओके रिवाइंड एंड सी द वीडियो। वाई केम माइनस हाफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लाइक दैट यू ट्राई दिस क्वेश्चन, डोंट ट्राई और पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू हियर यू विल गेट द आंसर। ओके दिस नंबर इज ऑल्सो लाइक दिस, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड यू विल गेट द वैल्यू। बहुत सेटिस्फाई करना है, ये मान लो एक नंबर वन को डाल दिया, नंबर वन को डालेंगे तो ये भी होना चाहिए, आर एच एस में 2 आना चाहिए, इसका आर एच एस में माइनस 1 चाहिए, तभी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है वो सही डालना है। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लाइक दिस, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो टुडे वी हैव डन अराउंड 52 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो आई हैव गिवन सम होमवर्क क्वेश्चंस यू डू इन योर होम। इफ एनी डाउट यू कैन शेयर इन माई कॉमेंट बॉक्स, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैव ए गुड डे, ओम शांति, टेक केयर, थैंक यू।